अंडर द चैप्टर ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द ली चैटलियर प्रिंसिपल सो दिस ली चैट्लियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट इफ डायनामिक इक्लिब्रियम प्रिवेल्स एंड दैट डायनामिक इक्लिब्रियम इज डिस्टर्ब थ्रू एनी चेंज देर इज अ फोर्स इन दैट इक्ब्रियम सिस्टम दैट विल काउंटर एट दैट चेंज इट मीन्स किसी भी सेटअप में एक अगर डायनामिक इक्लब्रियम ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है और उसको कोई भी एक्जोजनस चेंज आके उसके इस एक्लिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है तो वो जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो उस जो एंटाइप फोर्स आई है उसको काउंटर एक्ट करता है इन सेंस, क्योंकि उसको काउंटर करके वो दोबारा से अपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है एंड द सेम प्रिंसिपल ऑफ शिफ्टिंग फ्राम डिस एकब्रिया टू एक्ब्रिया एंड देन बैकवर्ड लाइक दिस ये इंट्रोड्यूस किया पॉल सेमलसन ने इन इकनॉमिक्स में एंड उसकी जो वेरियस असरशंस थी उसको यूटिलाइज करके कुछ ऑस्पेक्ट्स ऑफ इकनॉमिक्स एक्सप्लेन किए गए सो एज़ पर दैट ली चैट्रियर प्रिंसिपल इन इकनॉमिक्स इट वॉज फाउंड के वेन एवर देयर इज़ अ लॉन्ग रन कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर द प्राइस तो जो इसका लॉन्ग रन अगर हम इसका डेरेवेटिव लेते हैं तो वो फार एक्सीड कर जाता है इसके शॉर्ट रन डेरिवेटिव ऑफ़ द कम्पनसिटि डिमेंड फंक्शन से और इसी तरीके से अगर हम फर्दर देखें तो ये देखा गया इन इकोनॉमिक्स में कि जो लॉन्ग रन इलास्टिसिटीज़ हैं वो हमेशा शॉर्ट रन इलास्टिसिटीज़ को ओवर पावर कर जाती हैं अब इसी चीज़ों को देखते हुए प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो uh, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया गया है अब वह कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन में लेबर का इस्तेमाल होना है एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना है कि उसके फैक्टर्स में से वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से हैं और किस फैक्टर में चेंज से जो उसका ऑलरेडी अस्टैब्लिश एक्लिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो सकता है और अगर वो एक्लिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है तो वट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द शॉर्ट रन ऑस्पेक्ट एंड वट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग रन ऑस्पेक्ट एंड इसी ऑस्पेक्ट को देखते हुए क्या शॉर्ट रन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट जो है वो लॉन्ग रन इलास्टिसिटी को इक्वेट करती है या उससे डिफरेंट होती है तो इन ऑस्पेक्ट्स को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है और उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म को एडजस्ट करना है अपना आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द आउटपुट प्राइस और अगर आउटपुट प्राइस नहीं चेंज होती तो जो सबसे बड़ा डायलेमा है कि इनपुट की प्राइस में वेज रेट सो वेन एवर द वेज रेट दे आर गोइंग टू चेंज

जो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दो सेपरेट डिमेंड फंक्शन हों वो आपस में किसी ना किसी वे में रिलेट करते हों सो so, अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है वो प्रिवेल करती है अब इसी फैक्टर को देखते हुए जब हम अपने आउटपुट के सेटअप पे आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से x2 इस केस में जो है उसको हम अगर फिक्स्ड कंसीडर कर लें फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तो देन हमें यह देखना है कि हाउ द आउटपुट और द प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म जो है वो चेंज होगा और जो रिजल्टिंग शॉर्ट रन फैक्टर डिमेंड जो है वो कैसे चेंज होगी क्योंकि अब शॉर्ट रन में हमने अगर इसको फिक्स कर लिया है तो क्या शॉर्ट रन में तो ये चेंज नहीं होने जा रही और लेकिन लॉन्ग रन में ये चेंज होने जा रही है तो दोनों ऑस्पेक्ट्स में जो फिक्स्ड फैक्टर्स की वजह से इलास्टिसिटीज़ पे फर्क पड़ सकता है और अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म फैक्टर डिमांड कर्व जो होगा वो इसका लेस इलास्टिक हो जाएगा क्योंकि ये चेंज होने नहीं जा रहा लेकिन लॉन्ग रन में ही इसी फैक्टर का जो लॉन्ग रन इलास्टिक इसका जो कर्व होगा वो जो है वो चेंज हो रहा होगा सो इन दैट फॉर्म द लॉन्ग रन फैक्टर डिमांड इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट रन डिमांड जो अलाउ करती है कि x2 को हम फिक्स्ड कंसीडर कर लें तो उसकी बेस पे अगर हम देखें तो व्हाट इज़ आवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल वी कैन से कि इट डिपेंड्स अपॉन द x नॉट मीन द अमाउंट ऑफ इनपुट वन एंड दैट अमाउंट ऑफ को अगर हम फर्दर देखें तो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू यूटिलाइज डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड दिस प्राइस पी सो हेयर इट विल बी इक्वेटेड टू दिस मीन दिस इज़ द Supply curve. Like when here this x i will be equal to w one p and this what we can say because we have put this factor of the x two and this x two is giving us the this aspect of w two that is kept constant and for this w two we have taken this w one w two and p and substituted this value. तो दिस आइडेंटिटी इज़ फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन फैक्टर डिमेंड कर्स अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमने एक फैक्टर को कॉन्स्टेंट ले लिया है मेन एक्स टू को लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर वो एक्स वन के फैक्टर डिमेंड को भी अफेक्ट कर रहा होगा और वो सिस्टम का हिस्सा होगा इसीलिए ये जो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है दैट इज़ अ कंडीशनल डिमेंड बिकॉज इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड लाइक वाइज वेन वी ऑप्टिमाइज़ आवर प्रॉफिट फंक्शन वी कैन से दैट दिस प्रॉफिट फंक्शन में अगर हम कहें कि ये एक्स वन और एक्स टू के ऊपर है और यहाँ पर हमने एक्स टू को डॉट लगाया वो जमीन इसको हमने कॉन्स्टेंट कर लिया अब उसकी बेस पर अगर हम कहें तो मेन जो प्रॉफिट फंक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन दिस चेंज इन द रेवेन्यू माइनस इनपुट प्राइस एंड इट विल बी इक्वल टू दैट इनपुट मेन वी एम पी विल टू द इनपुट प्राइस लेकिन जब इसकी हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमने कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी अगेन दिस चेंज इन दिस फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन दैट विल बी लेस देन ज़ीरो एंड देन फर्दर it will also be utilized with the other input also so it means when we have to deal with the second order conditions then this variable that was taken as the constant it will also be included in our system so this identity that was utilized as our conditional demand so when this is differentiated with respect to the change and we calculate this we can see that this differentiating by this identity with respect to its wage w it comes like this mean the change in this function with respect to w i here it is again like this and when it is further differentiated in like this this will be the second derivative and that will be the less than 0 so the short run फैक्टर डिमांड जो है वो हमारी एक्सप्लेन करेगी कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और उसके डिफरेंसेस लेने से अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस मेन जो पहला डेरिवेटिव हमारा लेफ्ट साइड वाला एंड देन द कंडीशनल डिमांड है अगर हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं तो इट गिव्स द इक्वेशन लाइक दिस एंड दिस टाइप ऑफ द रिलेशन में अगर हम देखें तो ये दो इक्वेशन या दो डिमांड फंक्शन हमारे बन रहे हैं एक फॉर द फैक्टर डिमांड फर्स्ट फैक्टर डिमांड और दूसरा जो है वो सेकेंड फैक्टर डिमांड का लेकिन इन दोनों फैक्टर डिमांड के फंक्शंस में हमारी जो एक चीज़ कॉमन आ रही है वो इट इज़ लाइक दिस सो वेन एवर देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिमांड फंक्शंस इन दैट दैट दे एग्जिस्ट इन आ सिमिलर कनेक्शन एट सर्टन प्लेस तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप जो है वो मस्ट पाया जाएगा इसीलिए इस टाइप के रिलेशनशिप्स को हम ली चैटलियर अफेक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं एंड सिमिलर टेंडेंसी जो है वो इस तरह के थर्मोडाइनमिक सिस्टम में होती है जो वेरियस टाइप्स ऑफ द रिस्पोंसेस को शो करती हैं एंड साइंस में प्रोवेल करती है बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस इज हैज़ बीन अडोप्टिड इन इकनॉमिक्स हेयर